हेलो फ्रेंड्स, किरण सेकंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी। और फ्रेंड्स प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कच्चे केले के कोफ्ते, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अक्सर कोफ्ते घिया के या आलू के इस तरह से बनाए जाते हैं। कच्चे केले के कोफ्ते सभी लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन बनाकर देखिए, खाकर देखिए तो आप अक्सर बनाएंगे। मैंने इसके लिए लिए हैं 3 कच्चे केले, 3 या 4 या 5, जैसे भी आपको ज़रूरत हो, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उतने आप ले सकते हैं। 3 कच्चे केले मैंने लेकर इनको बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद इसका जो छिलका है, स्किन है, इसको हम हटा देते हैं। और इसका जो छिलका है फ्रेंड्स, इसको भी फेंकना नहीं है। आप इसको बारीक बारीक काट लें और इसमें 1-2 बारीक आलू काटकर इसकी सूखी सब्जी जीरे का छौंक लगाकर बना सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है। बेसन लेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 3 से 4 टेबलस्पून की ज़रूरत पड़ेगी। टमाटर प्याज की प्यूरी लेनी है। इसको मैंने माइक्रोवेव में बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ है। इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च मैंने डाली हुई है। साबुत मसालों में लेना है हमने दालचीनी, तेजपत्ता, जीरा, लौंग और काली मिर्च, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, ये सब आता 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी काली मिर्च को हम दरदरा कूट लेंगे। हल्दी और लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया और कसूरी मेथी। हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून लें। 1/2 टीस्पून देगी मिर्च मैंने मसाले में ऐड की हुई है, उससे थोड़ा सा कलर सब्जी का जो है बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरह से मसाला बनाकर रख सकते हैं। मैं अक्सर इस तरह से माइक्रोवेव में मसाला बनाकर रखती हूँ। केले को सबसे पहले हमने करना है मैश। बॉयल कर लिया है, उसके बाद हमने इसको मैश करना है। आप इसको हाथ से या चम्मच से किसी भी तरह से मैश कर सकते हैं। मैश करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है बेसन। बेसन हमने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है, इतना डालना है जिससे ये अच्छे से बाइंड हो जाए। काली मिर्च दरदरी कुटी हुई हम इसमें ऐड कर लेते हैं। काली मिर्च का कोफ्ते में स्वाद जो है बहुत अच्छा लगता है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लेते हैं, थोड़ा अमचूर पाउडर, और इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। इतना बेसन डालेंगे कि अच्छा सा हमारा बाइंड होने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। इसी से जो मॉइस्चर है इसके अंदर, केले के अंदर जो होता है, उसी से हम इसको बेसन जो मिक्स कर रहे हैं उससे बाइंड करेंगे। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स हम बना लेंगे। आप चाहें तो बड़ी, मीडियम, जैसी भी आपको चाहिए उस तरह से आप साइज इसका बना सकते हैं। बनाने के बाद हम इसको करेंगे फ्राई, जिसके लिए हमने ऑयल लिया हुआ है। ऑयल को मैंने गैस पर रख दिया है। छोटे बॉल्स में बना रही हूँ इसके, बिल्कुल 3 जो बनाना हमने लिए हैं मीडियम साइज के, इससे तकरीबन आपके 10-12 कोफ्ते जो है रेडी हो जाते हैं। आपके जैसी रिक्वायरमेंट हो, मैंने आपको बताया कि उसके अकॉर्डिंग आप इसमें 3, 4, 5 जितने भी केले चाहें ले सकते हैं। बॉल्स बनाकर हमने रेडी कर ली हैं। इतनी देर में हमारा ऑयल जो है गैस पर गर्म हो चुका है। हम इसको फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तेज आंच पर फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से कोफ्ते या कोई भी चीज़ जो होती है अंदर तक पूरी तरह से सिक जाती है। फ्राई होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और कढ़ाई में जितना एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल देते हैं, जितना हमें ज़रूरत है उसको रहने देंगे, और इसी में हम मसाला रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे। 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा और 3-4 काली मिर्च, 2 या 3 लौंग। इन सबको अच्छे से हमने भूनना है ताकि इसका फ्लेवर जो है कोफ्ते की करी में बहुत ही शानदार आता है। मैं इसमें पिसा हुआ मसाला यूज़ नहीं करूँगी, बट हमने जो साबुत मसाले हैं उनको यूज़ करना है। साथ ही ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च, साथ में टमाटो एंड अनियन प्यूरी जो कि मैंने रेडी करके रखी हुई है। ये हाफ कुक है, मेरी माइक्रोवेव में बना हुआ है, तो इसको हम इसको भूनने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, आप जब भी
खाना बनाना चाहते हैं, जल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से अगर मसाला वगैरह बनाकर रेडी करके रखते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। आप चाहे गैस पर बनाएं चाहे माइक्रोवेव में बनाएं, आप किसी भी तरह से बनाकर इसको रख सकते हैं। नमक ऐड कर लिया है मैंने और उसके बाद हमने देखिए इसको भून लिया है। बहुत ही जल्दी मेरा मसाला रेडी हो चुका है। अमचूर पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड कर ली है। कसूरी मेथी का टेस्ट अगर आपको पसंद हो तभी डालें, कई लोगों को कसूरी मेथी का टेस्ट पसंद नहीं होता है तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। पानी भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसमें तकरीबन जितना मैंने मसाला रेडी किया है इसमें मैं 250 ml से लेकर 300 ml तक पानी ऐड कर सकते हैं इसमें हम। अगर आपने चावल के साथ इसको सर्व करना है तो थोड़ा सा इसकी करी जो है आप पतली रख सकते हैं, थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको चपाती के साथ ऐड करना है तो 300 ml सफिशेंट है, काफ़ी अच्छा रहेगा इसमें। तो 300 ml यानी 1 कप के करीब हमने इसमें पानी डाला है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा और इसमें ऐड करेंगे हम कोफ्ते जो हमने बनाए हैं, और 7 से 8 मिनट तक आप इसको तेज़ आंच पर पकने दें। ढककर पकने के लिए रख देंगे और उसके बाद देखिए 8 मिनट के बाद हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। केले के कोफ्ते बहुत ही शानदार फ्लेवर आ रहा है, खुशबू आ रही है जो हमने साबुत मसाले इसमें हमने यूज़ किए हैं। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारी केले के कोफ्ते बने हुए सर्व करने के लिए। गार्निश कर लेते हैं धनिया हरी मिर्च से और साथ ही इसमें 1-2 टीस्पून हम डाल देते हैं क्रीम का। क्रीम या मलाई घर में जो भी अवेलेबल हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेडी है टेबल पे जाने के लिए कोफ्ते, तो आ जाइए थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़।